चौथा सोमवार को छत्तीसगढ़ की काशी लक्ष्मणेश्वर खरोद में लगा भक्तों का तांता, शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव। सावन की चौथी सोमवार को शिवालयों में गूंजा ओम नमः शिवाय। सावन का चौथा सोमवार को लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर खरोद में सुबह 4 बजे से शुरू हुआ दर्शन पूजन व जलाभिषेक। श्रद्धालुओं ने धतूर बेलपत्र चढ़ाकर की मंगल कामना। छत्तीसगढ़ की काशी खरौद में सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जय घोष करते हुए भक्त सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में पहुंचने लगे। मंदिरों में भक्तों की कतार लगी रही। सुधीर मिश्रा ने बताया कि श्रद्धालुओं ने धतूर बेलपत्र के साथ भगवान लक्ष्मणेश्वर का जलाभिषेक किया। सावन के चौथे सोमवार को शिव मंदिरों में रोक के बावजूद शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया और भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप किया। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे आरती होने के साथ ही दर्शन पूजन शुरू हो गया। शिवलिंग पर भी लोगों ने जलाभिषेक किया। धतूर बेलपत्र और पीला पुष्प लाख और चावल चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। दर्शन करने के बाद भक्त जल चढ़ाकर आशीर्वाद लेते रहे। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर में प्रवेश द्वार पर सुरक्षा लगे कर्मचारी सभी को लाइन में लगाकर आने वालों को मंदिर परिसर में घुसने दे रहे थे। सुबह 4 बजे के बाद दर्शन पूजन कार्यक्रम शुरू हुआ जो देर शाम तक चलता रहा। शिवालयों में भक्ति और आस्था का माहौल बना हुआ है। टीवी इंडिया 18 के लिए मेलाराम कश्यप की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मेलाराम कश्यप, टीवी इंडिया 18 से। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी छत्तीसगढ़ के काशी लक्ष्मेश्वर मंदिर में, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए आए हैं। आइए उससे चर्चा करते हैं, क्या कहां से आए हैं और क्या क्या नाम है। जी भैया, आपका टीवी इंडिया 18 में आपका स्वागत है। कहां से आए भैया? प्रगति नामगर दीपका से। दीपका कोरबा? हाँ जी। क्या मान्यता है इसके बारे में कुछ बताएंगे? सुना था कि यहाँ का बहुत मान्यता है, सबको मनोकामना पूर्ण होता है ऐसे करके। तो हम लोग भी आए हैं अपने बेटी अपने परिवार के साथ में। ये मेरी छोटी बेटी है रिया पटेल। अच्छा, कौन से क्लास में छोटी? सिक्स। चलिए, आपका स्वागत है, बताइए, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम योगेश प्रसाद, ग्राम छेसर, पोस्ट ऑफिस मलदा, थाना कसडोल, जिला बलौदा बाजार से हूँ। यहाँ विख्यात मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, माने हुए शिव मंदिर है। यहाँ दर्शन के लिए हम लोग आए हैं अभी और जल चढ़ाएंगे शिव मंदिर में। आज जो चौथा सोमवार है, कैसा भीड़ कैसा है यहाँ का? यहाँ बहुत भीड़ है भैया। आप कितने बजे से आए हैं और कितने घंटे हो गए आपको लाइन में लगे? मेरे को तो 1 ही घंटा हुआ है आए हुए। हाँ, तो भैया आए हैं कसडोल से। नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमारी जाहिरे है और मैं 20 साल से आ रही हूँ भोलेनाथ का पूजा करने के लिए। और बहुत अच्छा है यहाँ, जो भी मांगता है वो पूरा हो जाता है और बहुत साथ है भोलेनाथ का मंदिर का। धन्यवाद। देखिए, यहाँ हजारों की आ रहे हैं और यहाँ कतार में काफ़ी लोग लगे हुए हैं। आइए उससे और चर्चा करते हैं। जी भैया, आप कहाँ से आए हैं? कटगी, ग्राम कटगी। कहाँ, जिला कौन सा है आप? जिला उलौदा बाजार। क्या है यहाँ का मान्यता? मान्यता यहाँ तो छत्तीसगढ़ का काशी बोलते हैं हमारे खरौद धाम को। इतना धूप में आप लाइन में लगाए हो, कितने टाइम हो गया आपको लाइन में लगे हुए? 1 घंटा का लगभग। 1 घंटा हो गया? हाँ। अच्छा, अभी कितना टाइम और लग जाएगा आपको? अब लगभग 1-1.5 घंटा और लग जाएगा भैया। देखिए, इतने धूप में भी यहाँ श्रद्धालु आस्था लेकर आए हैं और लगातार धूप में, कड़की धूप में यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। आइए और यहाँ से आए रहे उन लोगों से चर्चा करेंगे। कहाँ से आए हो आप? टुंड्रा से। टुंड्रा से? कितने बहुत लोग आए हैं टुंड्रा से लग रहा है यहाँ तो। हाँ, बहुत आए हैं ना। तो कहाँ से आपका परिचय बताएंगे? उल्टा से आए हैं, बड़का धाम वहाँ है, वहाँ से आए हैं 84 किलोमीटर आगे। चौथा सोमवार को हम ये मान लें कि श्रावण के आखिरी सोमवार है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 5 सोमवार पड़ते हैं। जैसे इस बार पड़ा है 5 सोमवार और पिछले सत्र तो 8 सोमवार पड़ा था। तो चौथे सोमवार की अपेक्षा की दृष्टि से हम देखें यदि हम, तो काफ़ी संख्या में यहाँ लोग दर्शन के निमित्त में आ रहे हैं और ये मान करके आ रहे हैं कि यही हमारे लिए आखिरी सोमवार है, क्योंकि 5वां सोमवार रक्षाबंधन का पर्व है। तो उसमें हम आ पाएँ कि ना आ पाएँ, इसलिए इसी में चलते हैं। और उसमें जो यदि मान लो आ जाते हैं तो हमारा ये परम सौभाग्य होगा कि हम 5वें में पहुँच जाएँगे। विशेषता तो इनकी इतनी है कि कहने पर भी यह वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्वयंभू कहलाते हैं और लक्ष्मण जी के द्वारा पार्थिव लिंग की स्थापना की गई और उसका उन्होंने जल से अभिषेक किया तो भगवान अन्यान भागों में विभक्त हो गए।
जितने भागों में भगवान बटे उनकी संख्या थी सवा लाख। तो सवा लाख लिंगों में भगवान उनको दर्शन दिए और उसमें अभिषिक्त जल का जब उन्होंने पान किया तो उनका जो हृदय का विकार था वो समूल रूप से समाप्त हो गया। इसलिए उनके नाम से यह जो तीर्थ है यह लक्ष्मणेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है, चूँकि इसे अब छत्तीसगढ़ काशी के नाम से हम जानते हैं।